जनाब लौंडी आ रही है सामने से। जनाब कतई मलूक लग रही है, देख रहे हो जनाब मेरे को देख के हंस रही है। पागल तू इतना कुछ क्यों हो रहा है, वो तो मेरे को देख के हंस रही है। लौड़ा तुम्हें देख के हंस रही है। अबे पागल तेरी गलतफहमी है, वो मुझे देख के हंस रही है। चंगली भड़वे, ऐसे चोता तो सेट भी होती। चले जा भड़वे घनचोत, हौसड़ी की चली जा, गांड पे गोली मारो गांड पे। चल सुअर। जनाब तुम्हारी मार्केट में कोई इज्जत ही ना, साली खुलेआम बेचते करके जा रही है। पागल हूँ, बेइज्जत ही ना है वो, मेरे से प्यार करती है और प्यार में सब कुछ बोल के गई है वो। सही कह रही हो। क्या हो गया जनाब? एसी पे सर का फोन। जय हिंद सर। जय हिंद। दोनों भाग गए? हाँ। कब? कल। अरे तुम क्या गांड मरा रहे थे सर? तुम्हें चोप से निकालूंगा दल्लो। अरे सर हम तो मजाक कर रहे थे, इनसे तो हमारा घर चलता है, पकड़े लेंगे हम। तुम्हें बताना है, चीते की रफ्तार, बाजीराव की तलवार और बच्चन मंडे की बंदूक से आज तक कोई बच पाया है? तेरी बंदूक तेरी गांड में। अरे सर सर फोन काट दिया भोसड़ी के ने। और जनाब तुम्हें अपना प्रमोशन करवाना है तो यही मौका है। यही? हाँ। और जनाब तुम डीएम, मैं एसएचओ। ये तो साले खावो वाली बातें कैसे कर रहा है। चल काम करना है। हाथ हटा भोसड़ी के। तू मुझे जानता ना, पूरे क्षेत्र में नाम चला हमारा, चड्डा और बिल्लू सांडा। और तू सोच रहा हो तेरे दराती से डर गया? अरे डरू ना, जा रहा हूँ मैं, तो बाला का छोड़ रहा हूँ तुझे। तो हाँ, जाटपुर में हुई चोरी। हैरानी की बात यह है कि यहाँ के लोगों को कानों कान खबर नहीं हुई, और कब आए चोर और कब चले गए। चलो यहाँ के लोगों से हम पूछताछ करते हैं इस चोरी के बारे में, देखते हैं यहाँ के लोग क्या बताते हैं। तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ के लोगों से पता करते हैं। तो भाई साहब आप बताइए आपका नाम क्या है? हमारा नाम वीरपाल, ये हमारा छोटा भाई सुंदर सिंह गंडरिया। तो भाई साहब आप बता सकते हो यहाँ पर हुआ क्या है? गांड मार ली तेरी। तो आप छोटे भाई साहब, माचिस है आपके पास? भाई साहब हम माचिस नहीं रखते, आप बता सकते हो यहाँ पर हुआ क्या है? हाँ तो यहाँ पे हमको क्या पता, हमको ही पाया है। दिखाना, देखिए आप ये देख के समझ सकते हो। तो हम देखते हैं पुलिस वाले क्या करते हैं। बिल्लू सामने बहन की लौड़ी लौंडिया बैठी है, उठा गला। बाप तेरा बाप का नोक करूं, साले चले जा। बस सालो किसी तो काम में आ जाया करो, खुद जाना पड़ेगा। चले जा नहीं यही निपटा दूंगा। देखिए क्या हो गया? अब वो साले तेरी सेटिंग है। सेटिंग? हाँ सेटिंग, वो बोली भेज उसे, जा साले मिल गया। तुझे पता ही होगा बिल्लू सांडे का नाम ही काफी है, अब देख कैसे खाट पे लिटा के आता हूँ। अडवक काले इंजन। ये बड़ा कह रहा कि तू मेरी सेटिंग है और जो मुझे मारता मैं उसे यहीं निपटाता। तू आ तो गए, अब तो बिना पिटे यहाँ से ना जाता, मार जानू। बड़ी जोर की मारी साले, तू कह रहा था वो मेरी सेटिंग है? हाँ तो सालो हम अकेले अकेले पिट जाएं। भर के लात मारी हाँ। वो तो पड़ेगी फो पड़ी फो। दरोगा आ रही है बहन, भाग। पकड़ दे। नाम क्या है तुम्हारा? जी चड्डा और बिल्लू सांडा। तो क्यों कर रहे थे ये सब? जी चड्डी चोरी करनी है जी,
पूरे उत्तम पश्चिम बंगाल का। तो कस्टडी से क्यों भागे थे? जी कस्टडी से मैं इसलिए भागा था जी, 5 चड्डी चोरी करनी थी जी, वो भी कच्ची जी। मैं चड्डी मांगता और जो मुझे चड्डी ना देता मैं उसे वही निपटाता। तो कितने पैसे लिए थे ये काम करने के लिए? जी 5,95,000 में अरशद अली की चड्डी चुराई जी, गांड भी मारी। तो और किस किस की चड्डी चुराई थी? जी रियाज हसीना, सिबा चप्पल, मोटा और ये जी एक और है जी, ये अब्बास रसगुल्ला, इन सब की अम्मा चौक पे गांड मारनी है। वैसे क्यों मारना चाहते हो उन लोगों की? जी वो मुझसे दुश्मनी कर रहे थे इसलिए मारना चाहता था जी उनकी। तो कैसे देख के ये सीख मिली? जी जॉनी सिंह। तो कब तक जेल से फरार हो जाओगे? जी ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन, फिर वही हवाबाजी, जुल्फिकार आते ही बिल्लू जेल से फरार। असले के जब 16 साल का था खल लायक देख ली। अरे बीड़ी बिल्लू सर। सर बीड़ी पिएगा ये? आजा बेटा तुझे सिवा लाऊंगा। आजा। तेरे भाई का नाम चले पूरे समझ बिहार क्षेत्र में, पुलिस वाले तो पैंट में मुद्दे थर 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 थर। फेफड़ा भाई फेफड़ा भाई, गुल्लू सांडे की मार ली। अबे हम मारेंगे, किन्ने मारी? साले गोली मार दी। फेफड़ा भाई बिल्लू सांडे की मौत का बदला लेंगे हम। अबे चलो। ऑफिसर बाहर निकल, तूने बिल्लू सांडे को मारा कैसे? कौन सा कुत्ता भोंक रहा है जनाब? ये फेफड़े चिल्ला रहा होगा, और तुम अपना प्रमोशन करवाना है तो फेफड़े की गांड पे गोली लगनी चाहिए। आ तू देखिए गांड पे गोली मारूंगा। तुझे मार के तेरे हिस्से की बिरयानी हम खाएंगे और बोलेंगे ईद मुबारक।